So what's the question? The question is, Rasik walked 20 meter towards north. Okay? Rasik jo hai, north ki taraf ja raha hai, 20 meter. Then he turned right and walks 30 meter. Then he turns right and walks 35 meter. Then he turns left and walks 15 meter. Finally, he turns left and walks 15 meter. In which direction and how many meters is he from the starting position? आपके पास ऑप्शन है, हम चेक करते हैं करेक्ट ऑप्शन कौन सा है. सबसे पहले बात करेंगे डायरेक्शन की. यू नो द डायरेक्शन ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियोज. दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट एंड दिस इज वेस्ट. ओके, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट. सो सबसे पहले हम एक स्टार्टिंग पॉइंट से शुरू करेंगे. तो ओरिजिन से शुरू करेंगे. यहां पे कहीं पे नहीं लिखा है ओरिजिन से शुरू कर रहे हैं, बस आप ओरिजिन से शुरू करो. आप डायरेक्टली विदाउट डूइंग दिस आप वैसे भी कर सकते हो, तो इस डायग्राम के बगैर भी आप कर सकते हो. डायरेक्ट शुरू करोगे किसी पॉइंट से, लेकिन हम आपको यहां पे पॉइंट्स सिखाएंगे, इनिशियल पॉइंट से कैसे शुरू करते हैं. रासिक वॉक 20 मीटर टुवर्ड्स नॉर्थ. सबसे पहले वो यहां से शुरू करता है नॉर्थ की तरफ जाना, तो कितने कदम? 20 मीटर्स. रिमेंबर दिस डिस्टेंस इज 20 मीटर, ये 20 है. Then he turned right. अब यहां से वो किसको फेस कर रहा है? अभी नॉर्थ को फेस कर रहा है. तो जब वो नॉर्थ को फेस करेगा तो राइट तो यहां से पड़ेगा, तो राइट जाके वो कितने मीटर कवर करता है? 30 मीटर. यहां से वो इस डायरेक्शन को किसको फेस कर रहा है? अभी वेस्ट को, ईस्ट को फेस कर रहा है. तो कितने मीटर जा रहा है? 30 मीटर. 30. Then he turns right. अब वो जब ईस्ट को फेस कर रहा है तो राइट तो यहां से पड़ेगा, मतलब नीचे यहां से कितने मीटर? 35 मीटर. रिमेंबर यहां पे देखो, यहां से यहां तक 20 है, तो यहां से यहां तक कितना होगा? 20 होगा. तो जब वो यहां से राइट टर्न ले रहा है तो अभी तक उसने 20 मीटर कवर किया, लेकिन उसको कितना कवर करना है? 35 मीटर. तो उसको और 15 मीटर चलना पड़ेगा यहां से, क्योंकि 20 तो यहां से यहां तक 20 ही है. अब वो यहां से और 15 मीटर जाएगा यहां तक. सो दिस टोटल इज 35. ये पूरा 35 है, दिस इज 35. और यहां से यहां तक 20 है, क्योंकि ये 20 है, और यहां से यहां तक 15 है. ओके, तो अब वो फेस कर रहा है साउथ को. ही इज फेसिंग साउथ. अच्छा, देन ही टर्न्स लेफ्ट. यहां से वो लेफ्ट टर्न ले रहा है, तो लेफ्ट कहां जाएगा? यहां से होगा. कितने मीटर जा रहा है? 15 मीटर. रिमेंबर दिस इज 15 हियर. अभी वो फेस कर रहा है किसको? फिर से ईस्ट को फेस कर रहा है. अच्छा, 15 भी हो गया. देन फाइनली ही टर्न्स लेफ्ट एंड वॉक्स 15 मीटर. जब वो ईस्ट को फेस कर रहा है तो वो लेफ्ट टर्न ले रहा है, तो मतलब अपवर्ड जाएगा. तो कितने मीटर जा रहा है? 15. ये देखो, ये 15 है, ये भी 15 ही है. यहां से यहां तक वो यहां पे पहुंचा, इस एक्सिस पे पहुंचा वो. तो अभी जाके ये डायग्राम बेहतर रहती है. तो यहां से 15 है, तो यहां से 15. अभी वो यहां पे है. ओके, अब क्या करना है? इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पोजिशन. रिमेंबर, मैंने इससे पहले वीडियो में भी बताया था, जब वो यहां से लेफ्ट जा रहा है, तो अगर क्वेश्चन में होता कि वो किस डायरेक्शन को फेस कर रहा है, फेस तो वो फिर नॉर्थ को कर रहा है, क्योंकि वो यहां से जा रहा है ऐसे. जब वो यहां पहुंचा, अब लेफ्ट टर्न लिया, तो लेफ्ट टर्न यहां से फेस किसको कर रहा है? वो नॉर्थ को. लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा नहीं है, वो कहता है विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पोजीशन. तो स्टार्टिंग पोजीशन ये है, वो फाइनल पोजीशन ए है. इन दो को जब आप ज्वाइन करोगे तो वो फेस कर रहा है किसको? ईस्ट डायरेक्शन को. एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूं, अगर यहां पहुंचा वो, फिर उसने लेफ्ट टर्न लिया, तो लेफ्ट टर्न लेने के बाद वो किसको फेस कर रहा है? नॉर्थ को फेस कर रहा है. ठीक है, बट यहां पे क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पोजीशन. तो स्टार्टिंग पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन ये है. जब भी कभी आपके पास स्टार्टिंग पोजीशन और फाइनल पोजीशन हो, तो आपने क्या करना है? लाइन खींचनी है. तो लाइन में जहां से डायरेक्शन जा रही है, वही उसकी डायरेक्शन होती है. तो यहां पे अगर हम बात करेंगे, वो लेफ्ट टर्न ले रहा है, तो वो फेस कर रहा है नॉर्थ को. बट क्वेश्चन है विद रिस्पेक्ट टू द स्टार्टिंग पोजीशन. तो यहां से ओ और ए को ज्वाइन करना है. तो देखो, जब आप इनको ज्वाइन करोगे, किसको फेस करेगा? वो ईस्ट को फेस कर रहा है. इज दैट क्लियर? तो फिलहाल क्वेश्चन में आंसर है ईस्ट हमारा. तो ईस्ट को दो जगह पे है. अब देखना है कितने मीटर उसने कवर किया. देखो, यहां से यहां तक 30 है, तो यहां पे कितना होगा? ये 30 है, ये वाला पॉइंट. और फिर उसने कितना कवर किया? ये 15 है, तो ये 15 है. तो 30 और 15 कितने हो गए? 45. सो द क्वेश्चन इज इन विच डायरेक्शन एंड हाउ मेनी मीटर्स इज ही फ्रॉम स्टार्टिंग पोजिशन. सो इट्स 30 यहां से यहां तक, 15 यहां से यहां तक. क्योंकि यहां पे 30 है, तो यहां 30, यहां पे 15 है, तो यहां 15. तो 30 और 15 हो गए 45. एंड ही इज इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट. इज दैट क्लियर? सो इट्स 45 मीटर ईस्ट. सो द करेक्ट ऑप्शन इज 45 मीटर ईस्ट. दैट इज पार्ट नंबर डी. इज दैट क्लियर?